नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपको आज दिखाने वाले हैं एक ऐसा मंदिर जो आकार में तो बहुत छोटा है लेकिन रहस्यों से भरा हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो मंदिर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, दृश्य आप देख चुके होंगे और थोड़ा सा मैंने दृश्य दिखा दिया, अंदर जाके भी मैं दिखाऊंगा। ये मंदिर है अनूपपुर जिले में, खास अनूपपुर में एक स्थान है सामदपुर, इसको कहा जाता है। अर्जुन जी जब वनवास गए थे, पांचों पांडव, तब इस मंदिर का निर्माण हुआ था। यहाँ पे पीछे मैं आपको दिखा दूंगा एक ये तालाब भी उन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया था। तो मैं अभी आप लोगों को एक छोटे यहाँ के जो भी मित्र हैं, ठीक है, वो बहुत अभी मित्र जस्ट ही हुए हैं, उनसे मैंने पूछा है, इसके बारे में आप लोगों को पूरा बताएंगे कि क्या और क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ कौन कौन लोग आते हैं। तो ठीक है, देखिए ये हमारे एक मित्र हैं, ठीक है, यहाँ के ये यहीं भैया कहाँ के हैं, यहीं के हैं। नमस्कार भैया, मैं सामदपुर का हूँ। सामदपुर, ये स्थान जो है ये सामदपुर है, अनूपपुर जिले में, खास सामदपुर। ये तिराहा आपको दिख रहा होगा, ये तिराहा, और मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है, इनसे बातचीत थोड़े से कर लेते हैं। भैया जो ये मंदिर देख रहे हैं, पांडव लोगों का वो खोदा हुआ मंदिर है। हाँ, पांडव लोग इसको बनवाए थे जब वनवास गए, वनवास में आए थे, है ना। ये गए रहे वनवास, तो हर रात रुकते रहे, तो एक रात में मंदिर बनाते रहे। अच्छा, जहाँ भी रुकते रहे एक रात में मंदिर बनाते रहे, है ना। तो ये मंदिर पूरा सिद्ध हुआ और दो मंदिर सिद्ध नहीं हुआ हो पाया, तो सुबह हो गया चले गए। ऐसा है, मतलब कि यहाँ पे पांडव लोग एक रात्रि के लिए आए थे और तीन मंदिरों का निर्माण किए, जिसमें दो मंदिर नहीं बन पाया, पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। लेकिन एक ये जो मंदिर है, ये वही मंदिर है जो आज तक अभी तक प्रसिद्ध है। पीपल वृक्ष है जो बहुत ही कहें तो देव तुल्य है, देवों का स्थल है ये। देखिए पीपल है और पीपल के वृक्ष में आपको निवास का पता होगा, कौन से भगवान निवास करते हैं। देखिए ये जो मंदिर है, मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ, आगे दिखा रहा हूँ, ये तालाब में कुछ ऐसा बनाया गया है जिससे ये मनोरम रहे। देखिए यहाँ पे एक गेट लगाया गया है और इसके बाद यहाँ पे पंडाल, दुर्गा पंडाल जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत उस समय होता है जब इस पंडाल पे दुर्गा जी विराजमान होते हैं, माँ शेरावाली का वास होता है इस बीच तालाब में। दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ से पूरा व्यवस्था बनाया गया है, रेलिंग लगाया गया है ताकि कोई घटना या हादसा ना हो। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे पंडाल बन रहा है। ये जो हमारे मित्र हैं, बहुत खास मित्र हो चुके हैं। सोच लीजिए कि मंदिर जो है, मंदिर उधर है, आपको दिख रहा होगा पीपल का वृक्ष, और ये भाई साहब वहाँ से लेके हमको घुमाने के चक्कर में और अपने गांव का जो अपने एरिया अपने जिले का मंदिर का वर्णन करने के लिए, सोचिए आपके जितने भी अमूल्य वस्तु उनको बताने के लिए कितना एक्टिव हैं, ये हमको यहाँ तक लेके आए हैं और पूरा इस जो भी ये मंदिर और तालाब के बारे में पूरा ज्ञान बताए हैं। तो ठीक है, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इधर जो है, हाँ इसमें ध्यान रहे,
यहाँ पे मछली पालन अब होने लगा है, पहले नहीं, ठीक है। और एक आध मंदिर होगा तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे स्थान। चैनल में नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।